हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने सोचा था कि अभी सीएचएसएल की डिस्क्रिप्टिव कॉपी और ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे हम प्रीवियस ईयर की, लेकिन एक और कॉपी मेरे सामने आई है जिसमें कुछ हटके हुआ है। आप देख रहे हैं, आप ये आपको दिखेगा कि चित्र बना रखा है, ठीक है। और क्या ये सब चीज़ें अलाउड हैं, क्या इनका टीचर कैंसिल हो गया है, इन्हें अच्छे मार्क्स मिले, क्या रहा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इनके डिस्क्रिप्टिव कॉपी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जनरली अवॉइड करते हैं, और उसके बाद भी इन्हें अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। सस्पेंस नहीं बना रहा मैं, मार्क्स अच्छे मिले हैं। मैं आपको इनके मार्क्स दिखा देता हूँ और सीधा कॉपी दिखाता हूँ कि इन्होंने लिखा क्या है। थोड़ा हटके कुछ अलग लिखा है इन्होंने, ठीक है। और ये कॉपी है संदीप की, स्पेशल थैंक्स टू संदीप कि उन्होंने ये कॉपी शेयर करी, जिससे कि हमें पता चला कि इस तरीके से भी चीज़ें हम लिख सकते हैं। बाकी मैं तो अवॉइड करता हूँ इस तरह की चीज़ें लिखना, क्योंकि एग्जामिनर को अगर पसंद नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम सेफ रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी कॉपी, इनके टोटल जो मार्क्स रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, इनके टोटल 74 मार्क्स आए हैं, जिनकी में एक्से के इनके मार्क्स हैं 38 एंड लेटर में इन्हें मिले हैं 36 मार्क्स, ठीक है। दोनों ही पढ़ के सुनाऊंगा मैं, और इसे कुछ हम क्रिटिसाइज वगैरह कुछ नहीं करेंगे, बस हम पढ़ेंगे कि इन्होंने लिखा क्या है और क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि थोड़ा अलग है। अब तक जितने भी कॉपीज देखी है मैंने, सबसे अलग कॉपी है अब तक की, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने था ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी टॉपिक, ठीक है, वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। इसे इन इसमें मिले हैं इन्हें 38 मार्क्स। तो इन्होंने स्टार्टिंग कैसे करी है, सबसे पहले मनुष्य का जीवन चक्र का डायग्राम बना दिया, ठीक है। गर्भावस्था दिखा दी, बाल्यावस्था दिखा दी, किशोर अवस्था दिखा दी, युवावस्था दिखा दी और वृद्धावस्था दिखा दी, ठीक है। सारी चीज़ें कनेक्ट करके इन्होंने दिखा दी, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वृद्धावस्था जीवन का सच है, वृद्ध व्यक्ति अनुभवी होता है, फिर भी हमारे आधुनिक समाज में वृद्धों को नज़रअंदाज किया जाता है, उनके परिवार भी उन्हें सम्मान व स्नेह भरी नज़रों से नहीं देखते, वह उनका तिरस्कार कर उन्हें दर दर की कठोर पर छोड़ देते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक ये कठोर वाला ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बचपन खेल में गवाया, जवानी ऐश्वर्य में उड़ाई, बुढ़ापा देख के रोए, ठीक है, कहावत डाल दी इन्होंने। उसके बाद हमारे देश भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, यहाँ 66% आबादी 15 से 35 वर्ष के युवाओं की है, और करीब 20 करोड़ वृद्ध लोग भी हैं। युवाओं की संख्या ग्रेटर देन वृद्धों की संख्या, वृद्धों की दयनीय स्थिति, सामाजिक सुरक्षा की कमी, ठीक है। अगेन एक और डायग्राम आ गया, पूरी प्रॉब्लम यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से इन्होंने बता दी। आगे बढ़ते हैं। परिवार में वृद्ध व्यक्ति को बेगाना समझकर समाज में असुरक्षित छोड़ दिया जाता है, इस कारण भारत सरकार की पहल पर कई वृद्धावस्था योजनाएं चलाई जा रही हैं। वृद्धों की ब्याज से होने वाली आमदनी पर 50,000 तक कोई कर नहीं, ठीक है, 50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, वृद्धों को पासपोर्ट सेवा में सुलभता, वृद्धों के लिए खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, राज्य सरकार द्वारा पहल, उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम को स्वर्ग सा सुंदर बनाया गया, मध्य प्रदेश में विधवाओं का नया नामकरण जिससे बुजुर्ग महिलाओं को सम्मान मिला, केरल दिल्ली व अन्य राज्यों में वृद्धों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का प्रबंधन करना। सरकारों की इन कोशिशों के बावजूद बुजुर्ग हमें सड़कों पर लाचार नजर आते हैं। कमी केवल हम युवाओं व युवतियों की है जो बड़े होते ही अपने पालनकर्ता को त्याग देते हैं, ये विचार नहीं करते कि वृद्धावस्था जीवन का सत्य है। हम भी इस अवस्था में होंगे और तब हमारे बच्चे भी यही करेंगे, ठीक है। डेट्स ऑल, ये सारी चीजें इन्होंने लिखी है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सबसे पहले इन्होंने जो स्टार्टिंग करी, स्टार्टिंग में एक डायग्राम बना के जीवन चक्र समझा दिया, ठीक है। तो ये डायग्राम जो हम ने अभी तक किसी भी आरटीआई कॉपी में नहीं देखा था, और अवॉइड ही करते हैं क्योंकि बॉक्स दे रखे हैं, मतलब बॉक्स में एक शब्द लिखना है, सीधी सीधी सी बात है, उसमें हम इस तरह का डायग्राम बना रहे हैं। तो ये पहले इन्होंने डायग्राम बना दिया, जीवन चक्र समझा दिया, उसके बाद वृद्धावस्था के बारे में थोड़ा बताया और उससे जुड़ी हुई परेशानियों के बारे में बताया, जो हमारी सामाजिक सुरक्षा की बात की जा रही है जिसके ऊपर ऐसे था, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। उसके बाद एक छोटी सी पंक्ति इन्होंने लिखी, बचपन खेल में गंवाया, जवानी ऐश्वर्या में उड़ाई, बुढ़ापा देख के रोया, ठीक है, दोहा एक यहाँ पे आपको देखने को मिला। उसके बाद इन्होंने संख्या के बारे में बताया कि वृद्धों की संख्या कम है, जवान लोग ज़्यादा हैं,
और जब युवा ज्यादा हैं और वृद्धों की संख्या कम है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वृद्धों की दयनीय स्थिति हो रही है, जिसकी वजह से सामाजिक सुरक्षा की कमी आ रही है। अगर वृद्ध ज्यादा होते तो वो अपने बारे में सोचते कहीं ना कहीं, लेकिन जब युवा ज्यादा है तो वृद्धों को कहीं ना कहीं आउटसाइड कर दिया गया, मतलब थोड़ा बाहर कर दिया गया है, तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा की यहाँ पे जरूरत है और शरीर भी उस टाइम पे इतना ज्यादा साथ नहीं देता। बाकी फिर इन्होंने बताया कि परिवार में वृद्ध व्यक्ति को बेगाना समझकर समाज में असुरक्षित छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बचपन से लेके बड़े होने तक आपके माता पिता आपको बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम सभी लोग उन्हें इतना प्यार नहीं दे पाते और तरह तरह की ठोकरें खाने के लिए भी छोड़ देते हैं कुछ परिवार में, ठीक। तो ये सारी चीज़ इन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताई। उसके बाद इन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में बात करी कि सरकार की कौन कौन सी योजना है जो वृद्धों के लिए है स्पेशली, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे योजना बताते टाइम इन्होंने क्या करा, देखो एक तो अंडरलाइन करते जा रहे हैं, जो भी इन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं वो अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही कम मैसेज में हमने देखा है कि अंडरलाइन किया जा रहा है, तो इन्होंने अंडरलाइन करा, जो चीजें लिख रहे हैं वो पॉइंट्स में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में आ गया, फिर एक और पॉइंट आ गया, योजनाएं सारी पॉइंट वाइज इन्होंने बता दी, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, फिर पहले सेंट्रल लेवल की योजनाएं बताई, फिर स्टेट लेवल पे भी गए, वहां की योजनाएं बताई, तो हो सकता है इन्हें इसके बाद में अच्छा खासा आइडिया हो, तो इन्होंने ये सारी चीजें लिखी डिटेल में। उसके बाद अगर हम बात करें, इसी तरह से सारी चीजें चलती रही, इन्होंने सरकारों की कोशिशें बताई, फिर जो समस्याएं अगेन उसके बारे में बात करी, और ठीक है इनकी एंडिंग में क्या था, जो युवाएं हैं जो युवतियां हैं वो विचार नहीं करते कि वृद्धावस्था जीवन का सत्य है, हम भी इस अवस्था में होंगे और तब हमारे बच्चे भी यही करेंगे, ठीक है। एंडिंग भी ठीक है, तो ओवरऑल मुझे तो अच्छा लगा इनका ऐसे, लेकिन इन्हें मार्क्स भी काफ़ी अच्छे मिले हैं, 38 मार्क्स मिले हैं ऐसे में, ठीक है। लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं सीखी, देखो इन्होंने एक तो डायग्राम्स बना दिए, उसके बाद पॉइंट्स में भी लिखा, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लगे वो अंडरलाइन भी कर दिए, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने शब्द संख्या भी लिख रखी है, दैट इज 258, तो शब्द संख्या भी जो हम अवॉइड करते हैं कि मेंशन नहीं करनी, तो ये भी मेंशन की हुई है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं, आप ध्यान रखना इन चीजों का, कि कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। अब जैसे इन्होंने डायग्राम्स वगैरह बनाए और पॉइंट्स में लिखा, इसकी वजह से क्या हुआ, देखो इन्होंने लास्ट पेज की लास्ट लाइन पे एंड करा है, ठीक है। अगर एक वर्ड और एक्स्ट्रा होता तो वो उनका सीट से बाहर चला जाता और फिर उनके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते। जब इन्होंने बिल्कुल लास्ट में एंड करा तब जाके इनके 258 वर्ड्स, पूरी एग्जैक्ट वर्ड लिमिट में इन्होंने खत्म करा है। मतलब अगर आप डायग्राम वगैरह बनाते हो तो आपके पास स्पेस कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, पॉइंट्स में लिखोगे तो भी स्पेस की कमी आ सकती है, ठीक है। और जब पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो लाइन तो छोड़नी नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, और बाकी यही है कि कोई भी फिक्स रूल नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव में कैसे मार्क्स मिलेंगे, ये टीचर के ऊपर, इवेल्युएटर के ऊपर है। हो सकता है कोई और इवेल्युएटर होता, उसे डायग्राम ये पसंद नहीं आते तो हो सकता था वो मार्क्स डिडक्ट कर देता, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की चीज है ये, आप लोग देख लेना, अगर यूज करना चाहो तो करना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। अगला टॉपिक है, यू आर महिमा जसप्रीत, रेजिडेंट ऑफ लोधी गार्डन न्यू दिल्ली, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर टिंकू, कन्विंसिंग हिम दैट ही हैज टू मेक अ गुड करियर फॉर हिमसेल्फ, ही शुड टेक अवे हिज अटेंशन फ्रॉम अदर डाइवर्जेंस एंड कंसंट्रेट ऑन स्टडीज ओनली, ठीक है। लेटर का टॉपिक है, आप महिमा जसप्रीत निवासी लोधी रोड नई दिल्ली हैं, अपने छोटे भाई टिंकू को पत्र लिखिए कि यदि उसे अपना अच्छा करियर बनाना है तो अन्य आकर्षणों से ध्यान हटाकर केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। एबेस नगर लोधी रोड नई दिल्ली, पिन कोड डाल दिया XX करके, दिनांक 15 जुलाई 2018, ठीक है। एक बॉक्स में डेट डाली है, प्रिय अनुज भ्राता टिंकू, आशा करता हूँ कि तुम नए माहौल में ढल चुके होंगे और अच्छी संगत का साथ करते होंगे। नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाकर तुमने मेरा और स्वर्गीय माता पिता का नाम रोशन किया है, परंतु इस कामयाबी में अपने लक्ष्य को मत भूल बैठना। तुमने माँ को वादा किया था कि तुम डॉक्टर बनोगे, इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत के साथ साथ अन्य आकर्षणों जैसे संगकम, खेल, मोबाइल के दुरुपयोग से बचना, कुसंगति का त्याग करना, नशीले पदार्थों से दूर रहना, अधिक टीवी ना देखना, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना, महिलाओं का सम्मान करना, शिक्षकों का सम्मान करना, आजकल के नए आधुनिक सोशल मीडिया से दूर रहना, तभी तुम स्वर्गीय माता माताजी का सपना साकार कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आदि लगा के कुछ सेंटेंस में हल्की सी कमी है, ये पूरा सही नहीं बैठा। उसके बाद अंततः यदि जीवन को सही मायनों में जीना है तो अपने करियर को बनाओ और मंजिल को पाओ, सभी आकर्षणों को त्याग कर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो।
अपने दोस्तों को प्यार देना और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारा अग्रज भ्राता जसप्रीत। ठीक है, 160 वर्ड में लिखा है। ठीक है, ओवरऑल अच्छा लिखा है इन्होंने। बीच में एक तो लाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल दी, ठीक है, लेकिन इन्होंने थोड़ा जेनरिक वे में बनाने की कोशिश करी है। मेन तो ये था कि करियर पे ध्यान दो और आकर्षणों से बचो, तो इन्होंने आकर्षणों से बचते टाइम दो तीन चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करना, महिलाओं का सम्मान करना, शिक्षकों का सम्मान करना। ठीक है, ये चार पांच ये थोड़ा एक्स्ट्रा था, मतलब टॉपिक से थोड़ा हटके था, लेकिन ठीक है चल जाएगा, डाल दिया तो। और सबसे पहले इन्होंने यही बताया कि क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनके भ्राता का एडमिशन हो गया किसी स्कूल में, तो वो घर से बाहर है। उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने रीजन दिया कि माता पिता का देहांत हो गया और माता से तुमने वादा किया था कि तुम डॉक्टर बनोगे, तो तुम्हें उस पर ध्यान लगाना है, तो थोड़ा इमोशनल टच दे दिया जिससे कि थोड़ा और बेटर हो गया। और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, जो सभी हम लेटर्स में पढ़ते हुए हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। और इन्हें टोटल 36 मार्क्स मिले हैं, तो टोटल हो गया इनका 38 प्लस 36, डेट इज 74। ठीक है, वेरी गुड स्कोर इन सी एच एस एल। अभी मैंने सी एच एस एल की आपकी एक एस्पिरेंट की कॉपी शेयर करी थी जिसके सिर्फ 27 नंबर थे, एक और एस्पिरेंट की कॉपी शेयर करी थी जिसके सिर्फ 34 नंबर थे, और भी मैंने कॉपी शेयर कर चुका हूँ जिसमें 75 नंबर भी थे एस्पिरेंट के सी एच एस एल की। तो वो सारी वीडियो आपने देखी हैं, और ये थोड़ा हटके लगा तो मैंने इसलिए अलग से वीडियो बनाई, और उम्मीद करता हूँ इससे और चीज़ें आपको पता चली होंगी। और आप देखते हो नॉर्मली जो भी टीचर्स आपको कराते हैं, जिन चीज़ों को मना किया जाता है वो सारी चीज़ें उन्होंने करी हैं, फिर भी अच्छा नंबर आया है। ठीक है, तो यही है कि मैंने अब तक तो जितनी भी कॉपीज देखी हैं, जितनी भी शेयर करी हैं, एक चीज़ समझ आई है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, फॉर्मेट का ध्यान रखना, और आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके साथ हैं तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक, बाकी छोटी छोटी गलतियां जैसे काट पीट हो गई तो इसके मार्क्स ऐसा कुछ नहीं है कि कट जाएंगे ज़्यादा, या फिर कुछ और हो गया तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, छोटी मोटी गलतियां चल जाती हैं। तो यही है कि फॉर्मेट वगैरह पे ध्यान रखना, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, और सही से अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस करते रहो लिखने की। जो नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है सीजीएल टीयर 3 के लिए, उसे ज्वाइन कर लो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। वहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं एक दूसरे की कॉपीज, उनका साथ दो और खुद भी लिखो, और बाकियों से कहो कि वो चेक करके बताएं कुछ कमी है तो। ठीक, तो बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।